दक्षिण पूर्वी शहर कॉन्गसबर्ग में बुधवार को धनुष और तीर से लैस एक व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या कर दी, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉन्गसबर्ग के टाउन सेंटर में कई स्थानों पर हुए हमले का मकसद अज्ञात है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया भर में तेजी से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अधिकांश देशों ने इस मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने फैसला किया है कि वह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह वैक्सीन लगवाने वाले आखिरी ब्राजीली नागरिक बन सकते हैं। कनाडा के 90 वर्षीय एक्टर और डायरेक्टर विलियम से शैटनर ने अंतरिक्ष की यात्रा कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा की। इस यात्रा में शैटनर के अलावा ऑब्जर्वेशन कंपनी की सह संस्थापक ब्लू ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट और फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी के वाइस हेड शामिल थे। कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों और कम टीकाकरण दर से जूझ रहे रूस में संक्रमण के कारण बुधवार को करीब हजारों मौतें दर्ज की गई हैं। बावजूद इसके अधिकारियों का कहना है कि देश में फिर से लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। इस संक्रमण से बुधवार को 984 और मंगलवार को 973 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडिया भी व्यक्तिगत रूप से पूर्व पीएम का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बार पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर तनातनी हो गई है। एक ओर सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। आगरा में डेंगू और रहस्यमय बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रहस्यमय बुखार से 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की मौत हुई है, इसमें 7 बच्चे शामिल हैं। इस मामले में तेजी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, वहीं लोगों में भी दहशत देखी जा रही है। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से गिरी निजी कंपनी की बस, 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस की रफ्तार तेज थी और इसी दौरान अचानक अनियंत्रित हो गई और फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स के होगा। लेकिन टीम के सीनियर प्लेयर और पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक को झटका लगा है। कोलकाता नाइट राइडर्स विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। सोने चांदी के भाव में इस समय जोरदार गिरावट है, ऐसे में अगर खरीदी करने का प्लान बना रहे हैं तो यह अच्छा मौका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड की कीमत आज 0.20% की गिरावट के साथ 47,819 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है। वहीं आज के कारोबार में चांदी 0.51% फिसल गई है। आज 1 किलो चांदी का भाव 62,564 रुपए है। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।